सुपरमार्केट, फिर मैं 10 बजे जो है वो सुपरमार्केट जाऊंगा। आई विल कम बैक एट 12 एंड कुक लंच, और मैं जो है क्या 12 बजे वापस आऊँगा और फिर खाना पकाऊंगा। तो ये सारे के सारे जुमले क्या जाहिर कर रहे हैं, मुस्तकबिल को जाहिर कर रहे हैं कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आई विल स्टे एट होम। ये सारे के सारे जुमले क्या हैं, ये मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहे हैं कि ये काम अभी नहीं हो रहा, ये काम होगा कब, आगे चल के कभी होगा, ठीक है, यानी कि मुस्तकबिल में ये काम होगा, यानी कि टुमारो दैट मीन्स कल। विल डज नॉट हैव एनी मीनिंग, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते हरगिज़ 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 विल का कोई तर्जुमा ना करें, क्योंकि विल के कोई मायने नहीं है। जिस तरह कैन के कोई मायने नहीं है और शुड के कोई मायने नहीं है, लोग कैन के मायने कर देते हैं सकता, शुड के मायने कर देते हैं चाहिए, इसी तरीके से विल के मायने कर देते हैं गागी के। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, जहन में रखें, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, जहन में रखें। अगर आप इस तरीके पर अंग्रेज़ी सीखेंगे तो जब आप एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे अंग्रेज़ी के, तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी, विल डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग, इस विल के कोई मायने नहीं है। और उर्दू ज़बान में जैसे कि आमतौर पर हम लोग करते हैं, तर्जुमे के पीछे भागते रहते हैं हर वक्त, और तर्जुमे पर हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है, ना कि इस्तेमाल पर। बोलने पर हमारा ज़ोर नहीं होता, बस तर्जुमा करने पर ज़्यादा ज़ोर होता है कि तर्जुमा करना आ जाए किसी तरीके से। ये तरीक़ाकार भाई जहन में रखें, उर्दू अलग ज़बान है और अंग्रेज़ी अलग ज़बान है, दोनों का आपस में, यानी कि आप अगर इस तरीके से, आप कोई टीचर अगर आपको सिखा भी रहा है कि जी गागी के का मतलब ये है विल, तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आप कुछ जुमले बना सकें और आप बड़े खुश हो जाएँ, वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा आ गया, हमें तो अंग्रेज़ी आ गई। लेकिन होगा क्या, जब आप आगे चलेंगे और एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर आपके जहन में एक अजीब अजीब सी फिज़ा कायम हो जाएगी कि भाई आखिर कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि क्या है, क्या हो रहा है और क्या चीज़ है, ठीक है। तो जहन में रखें, विल डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग, विल के कोई भी मायने नहीं है। Using will for the plans or arrangements for the same day. तो अगर आपने कोई plan बना रखा है, I mean कोई arrangements आपने कर रखी हैं, जाहिर सी बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि will का इस्तेमाल जो काम आप कल करेंगे, यानी कोई arrangement आपने कल के लिए रखी है या अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए, तो उसी के लिए आप will इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। आप उसी दिन के लिए, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, उसी दिन के अंदर भी आप will का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कल की बात करेंगे तो वो मुस्तकबिल होगा, ज़रूरी नहीं है। अभी यानी कि अभी अगर दोपहर हो रही है और आप रात के बारे में बात करना चाह रहे हैं आज ही के दिन के अंदर, तो भी आप will का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक नज़र डालते हैं एक सिचुएशन पे कि अभी वक्त, मिसाल के तौर पे वक्त इस वक्त क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और काम क्या हो रहा है, ईटिंग लंच। ए, इट इज़ 2 PM राइट नाउ एंड आई एम हैविंग लंच, ठीक है, अभी 2 बज रहे हैं और मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ। व्हाट विल यू डू आफ्टर द लंच, तुम खाने के बाद क्या करोगे। आई विल स्लीप टिल 4, मैं 4 बजे तक सोऊंगा। देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगे। I will go to the park near my home. मैं अपने घर के करीब पार्क में जाऊंगा। There I will play with my friends. उधर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। And I will come back around 6. और मैं तकरीबन 6 बजे वापस आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बंदा इस वक्त 2 बज रहे हैं और आज ही के दिन के बारे में तमाम बातें कर रहा है कि 4 बजे तक सोएगा, उसके बाद फिर जो है 4 बजे के बाद जो है फिर वो उठकर जो है वो पार्क जाएगा, फिर 6 बजे के करीब कम आ जाएगा। तो ये आज ही के दिन के लिए तमाम बातें कर रहा है। तो ध्यान में रखें कि आपने आज ही के दिन के लिए कोई अरेंजमेंट बना के रखें, तो सच काइंड ऑफ प्लान्स, यानी कि इस किस्म के अरेंजमेंट्स और प्लान्स के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद विल, हमेशा विल के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम विल के साथ। अच्छा जी, जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो क्या है, करेक्ट फॉर्म क्या है, असलम विल लीव हिज जॉब नेक्स्ट ईयर, असलम अपनी जॉब अगले साल छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं कि विल के साथ हमने लीव यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी है और हमने इसके साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, वर्ब विल के साथ हमेशा बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, बस ध्यान में रखें। अब इनकरेक्ट सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं, असलम विल टू लीव हिज जॉब नेक्स्ट ईयर, अब हमें देख रहे हैं कि टू लीव जो है, ये टू लगा दिया आपने विल और वर्ब के दरमियान में, लीव के दरमियान में टू लगा दिया आपने, ये चीज़ गलत है। कभी भी इन्फिनिटिव नहीं बनाएंगे, यानी कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। दूसरे गलत जुमले पे नज़र डालते हैं, असलम विल लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट ईयर, अब ये चीज़ जो आपने एस का इजाफा कर दिया लीव के साथ, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आपने एस का इजाफा कर दिया, तो ये भी जुमला गलत हो गया। जहन में रखें कि आप एस और एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे, आप टू नहीं लगाएंगे, आप कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा जो है क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ना टू लगाएंगे, ना एस लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, कुछ नहीं। ओके, अब हम स्ट्रक्चर्स पर नज़र डालते हैं, जहन में रखें,
कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है, और उसके बाद जो है वो जो दूसरी अहम चीज़ है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर, के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्तेमाल किस तरीके से कोई चीज़ होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको ये जो अभी विल आपको मैंने समझाना शुरू किया है, मैंने स्ट्रक्चर से समझाना शुरू नहीं किया कि भाई ये स्ट्रक्चर है और याद कर लो और हो गया काम, ऐसा नहीं किया मैंने। मैंने क्या किया, पहले आपको विल की वजाहत की है कि विल होता क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और अब दूसरी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ क्या कि जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसकी साख्त क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो पहली अहम चीज़ क्या है कि विल होता क्या है, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जी उसका स्ट्रक्चर क्या है, ताकि हम जुमले बना सकें। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, शी विल गो टू इस्लामाबाद टुमारो, आई विल कॉल यू आफ्टर अ वीक। नेगेटिव यानी कि इनकार, या सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट गो टू इस्लामाबाद टुमारो, आई विल नॉट कॉल यू आफ्टर अ वीक। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी गो टू इस्लामाबाद टुमारो, विल यू कॉल मी आफ्टर अ वीक। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ विल, यानी कि विल की कॉन्ट्रेक्शन किस तरीके से की जाती है। आई विल, जहन में रखें इससे पहले कि मैं आपको कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बताऊं विल की, एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब भी कॉन्ट्रेक्शन की जाती है विल की या किसी भी हेल्पिंग वर्ब की या मॉडल वर्ब की, तो उसकी जो यानी प्रोनंसिएशन है उसकी अदायगी में भी फ़र्क आ जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको, यानी उसको सुकेड़ देंगे, तो उसके साथ साथ उसकी अदायगी में यानी तलफ़ में भी फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि आई विल, अब जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विल के साथ क्या हो जाएगा, ये आइल, यानी आप देख सकते हैं कि यानी आप सुन सकते हैं कि इसकी अदायगी में भी फ़र्क आ गया। इसी तरीके से ही विल किस में तब्दील हो जाएगा, हिल। शी विल तब्दील हो जाएगा, शील। दे विल तब्दील हो जाएगा, देल। वी विल तब्दील हो जाएगा, विल। यू विल तब्दील हो जाएगा, यूल। और इट विल तब्दील हो जाएगा, इटिल। तो ध्यान में रखें, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को दोबारा से यानी कि सुने और उसके साथ साथ दोहराइए मेरे साथ, ठीक है। अब हम नज़र डालते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल विद नॉट, यानी कि नॉट के साथ विल की कॉन्ट्रेक्शन की क्या सूरत हाल रहती है। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट। जब आप विल को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो वोंट बन जाएगा, और अदायगी भी